अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इफ़त नकवी इफ़त किचन से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है चिकन कढ़ाई। तो चले आए देखते हैं कि कैसे बनती है। चले जी, अब मैंने फ्राई पैन इसके ऊपर रख दिया है। अब इसमें हम डालते हैं ऑयल, तकरीबन हाफ कप ऑयल डालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये लहसुन डालेंगे जो मैंने 4-5 जवे लेके लहसुन और 1.5 इंच का ये टुकड़ा लिया अदरक का जो मैंने काट के इसको बारीक बारीक पीस लिया है। और ये अब डालते हैं, ये देखें, इसलिए लहसुन पहले डालते हैं कि इसकी स्मेल जो आती है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। चलिए, ये मैंने साथ एक बड़ा प्याज लिया है, ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा, दरमियाने साइज़ का था। ये 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। ये 2 लीमों लिए हैं, ये 7-4 से 5 हरी मिर्चें छोटी वाली ली हैं, तो ये 7 अदरक मैंने ऐसे बारीक बारीक देखने काट लिए हैं, लंबा लंबा सा ये ले लिया। ये 7 हरा धनिया है, तो ये उसमें ना डालने के लिए, तो ये है 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ये पीसी हुई लाल मिर्च ली है, और ये ज़ीरा, नमक मैंने 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पीसते हुए मैंने डाल के उसको पीस लिया। स्मेल ख़त्म हो गया। 1/2 kg लिया है चिकन, इसको हल्की आंच में ज़रा थोड़ा सा करते हैं ताकि ये ना अच्छे से कलर इसका चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें और मसाले ऐड करेंगे। इससे अंदर इसके मसाले की अच्छी तरह स्मेल जैसी है रच जाती है, नमक भी इसके अंदर रच जाता है, फिर अंदर तक टेस्ट जो उनसे ना आता है। चलिए, अब इसमें हम मसाले डालते हैं। ये मैंने जो बताया आपको मसाले जिस अंदाज से, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि कोई ज़्यादा तुरश खाता है, तीखा खाता है, तो कोई कम खाता है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। ठीक है, अब इसमें ये प्याज डालते हैं। इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च का टच देते हैं, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। इसमें साथ ही ये प्याली दही की डाल देते हैं। इसमें तकरीबन ये 1/2 से भी कम पानी डाला है मैंने, ताकि ज़रा गोश्त अच्छे से गल जाए, और साथ ये प्याज वगैरह भी जो सा है ये भी अच्छे से गल के बिल्कुल मेल्ट हो जाए। चलें जी, अब ये देखते हैं कि कैसा, चेक करते हैं। अब इसमें ना थोड़ा सा ना
एक टेबल स्पून ना सिरका डालते हैं, उससे बड़ा मज़े का लगता है। ये देखें, ये बस इतना सा, ठीक है। और ये एक चुटकी सी अजवाइन की, ये इसमें से ना ऐसी स्मेल आती है फिर, जैसे ना बट कराई की आती है ना, इस वजह से ये बड़ी मज़े की लगती है। फिर अजवाइन का थोड़ा सा दे दो ना बीच में टच। आप ऐसी कढ़ाई बना के खाएंगे ना तो आपको ना बट कढ़ाई ना जो उनसी वो भूल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपको बताया है ना, इस तरह ही आपने मसाले डालने हैं, और इस तरह ही ये मैंने आपको हाफ के जी की बताई है, ठीक है। अब ये तेज़ आंच पे ज़रा इसको भूनते हैं ताकि ना ये अपना घी छोड़ दे। मैं दो टमाटर काटे थे ना, उसमें से ना मैंने ना हाफ इसमें डाल दिए, तो जो दूसरे टमाटर वगैरह नींबू है अदरक है सब वो ना साबुत साबुत डालेंगे, वो ज़रा फिर अच्छा लगेगा। ये देखो कैसे घी छोड़ा, ये वाले जो उनसे टमाटर हैं उनको ना ऐसे करते हैं मसल देते हैं। कैसी स्मेल आ रही है क्या? अब इसमें थोड़ी सी ये मेथी है ना यूसी, इसको ना ऐसे ही नहीं डाल देते थे, इसको ना यूं मसल के ना यूं, ये देखो अगर हम इसको मसल के डालेंगे ना तो इसकी स्मेल और ज़्यादा मज़े की आएगी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। बहुत देर बाद मैंने रेसिपी डाली है, आगे जब मैंने कुछ महीनों के पहले मैंने डाली थी तो तब मेरे वाले साहब बहुत बीमार थे, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, इस वजह से कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता था। अब मैंने ये किया है कि मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो ज़रा अपने आप को मसरूफ करूँ, तो एक रेसिपी जो सी है ना ये एक दिन बाद दो दिन बाद इस तरह करके मैं डाल दूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा दिल तो सही होगा ना, किसी काम में लगेगा। चले अब इसमें ना हम ये टमाटर वगैरह ऊपर से डालते हैं, ये अदरक, ठीक है, ये हरी मिर्चें जो सी काटी हुई हैं, और ये नींबू, ठीक है, ये हरी मिर्चें उनसे ऊपर डाल देंगे। अब ये ज़रा ना इनका ना जो सा है ना टेस्ट वो लीमू वगैरह का, ये ज़रा बीच में ना उसके ना डेवलप हो जाए, ये हल्की आंच कर देते हैं, ज़रा ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं ताकि ना इसके अंदर वो सारा मज़ा जो सा ना टेस्ट है ना वो आ जाए। चले ये देखें जी कढ़ाई जो सी ना वो रेडी हो गई, ये साइड पे ना भूनते हुए जो सा होता है ना ये जला नहीं हुआ, ये मसाला जो उनसे ना ब्राउन ब्राउन शेड दे रहे हैं, तो ये ऊपर इसके धनिया डालते हैं, ठीक है। अब ये इसको डिश आउट करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चले जी ये बिल्कुल रेडी हो गई, ठीक है, अब इसको डिश आउट करते हैं। सारी डाल लेते हैं एकदम, है ना, ठीक है। ये देखिए तेज़ ज़्यादा घी नहीं है, मुनासिब है बिल्कुल, हाफ कप मैंने डाला था। ये देखिए सॉरी गरम मसाला जो सा मैंने डाला था वो पीसा हुआ डाला था कि फिर बच्चे निकालते हैं इस वजह से। अब ये देखें आप भी इसी तरह बनाएं,
और जो जो जैसे मैंने रेसिपी बताई है वैसे ही बनाएं और फिर खाएं मज़े से, नान के साथ खाएं या चपाती पका के खाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप भी बनाएं और खाएं और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। तो साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इतनी मेहनत करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसका मिलना चाहिए ना। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।